कहानी का नाम है सब टेनेंट की कथा। अंग्रेजी में उसे सब टेनेंट कहते हैं। ये जाति पहले पश्चिम में पैदा हुई थी, इसलिए नाम भी उधर से ही आया है। एक पंडित जी आग्नेयास्त्र को तो मिसाइल का पूर्वज मानते हैं, पर वे भी कहते हैं कि महाभारत काल में कोई सब टेनेंट नहीं होता था। लिहाजा मैं राष्ट्र गौरव को बिना क्षति पहुंचाए ये मान सकता हूँ कि सबटेनेंट आधुनिक शहरी सभ्यता की उपज है। देशी भाषा में उसे उपकिरायेदार कह सकते हैं। एक किराएदार होता है टेनेंट। एक किराएदार अपने किराए के मकान का एक हिस्सा किसी को किराए पर दे देता है। जैसे स्थापित भिखारी उखड़े हुए भिखारी को अपनी भीख में से एक पैसा दे दे, ये उपकिरायेदार यानी सब टेनेंट हुआ। मानव जाति की यह एक नई उपनस्ल है। सब टेनेंट साधारण आदमी से भिन्न प्रकार का प्राणी होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जाति है, इसे उपमानव भी कह सकते हैं। मनुष्य जाति का भविष्य एक हद तक सब टेनेंट के चरित्र, प्रकृति और कर्म पर निर्भर है। मजदूर वर्ग को संगठित करके जो क्रांति की योजना बनाते हैं, वे सोचें कि अगर दुनिया के सब टेनेंटो एक हो का नारा देकर ये प्राणी खड़ा हो गया तो वर्ग क्रांति का क्या रूप होगा। मैंने देखा है सब टेनेंट होते ही आदमी बदल जाता है। 6 फुट अपने को बौना समझने लगता है। एक खूबसूरत आदमी सब टेनेंट हो गया तो उसने मोहल्ले की स्त्रियों की तरफ देखना बंद कर दिया। वह अपने को बदसूरत समझने लगा था। एक जालिम पुलिस अफसर कुछ महीनों के लिए सब टेनेंट हो गए थे तो वे मुलजिम की तरह बर्ताव करने लगे। विश्वविद्यालय के कुलपति अगर सब टेनेंट हो जाए तो वे अपने को एक ऐसा छात्र समझने लगेंगे जो परीक्षा में दबा दबा नकल कर रहा है। किसी शेर को बकरे का सब टेनेंट बना दीजिए, वो क्या बकरे को खा जाएगा? नहीं, वो मेमना हो जाएगा। मेरे एक दोस्त ने सब टेनेंट देख लिया है। वो उसी के महकमे में काम करता है और तबादले पर आया है। दोनों का एक सा ओहदा और ग्रेड है, पर मेरे दोस्त से ज़्यादा सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान है वो। उसकी बीवी मेरे दोस्त की बीवी से ज़्यादा सुंदर और सुसंस्कृत है, मगर वो सब टेनेंट है और मेरा दोस्त टेनेंट। मैं दोनों को बदलता देख रहा हूँ। मेरे दोस्त की हीनता की भावना चली गई है। 3.5 कमरों का मकान उसके बाप ने 25 साल पहले 40 रुपये किराए पर लिया था, अब 8 हो गया है। दोस्त ने इसमें से 1.5 कमरे सब टेनेंट को 40 रुपये माहवार पर दे दिए हैं। खुद 2 कमरों में 20 रुपयों में रहता है। उसे ग्लानि कभी नहीं हुई कि उसने एक संकटग्रस्त साथी का शोषण कर लिया। उसे खुशी है कि दुनियादारी के हिसाब से यह एक उपलब्धि है। 24 खंडे बगल में उसकी कृपा पर निर्भर एक आदमी सहमता सा रहता है। यह एहसास उसके मन को ऊंचा उठाता है। उधर सब टेनेंट को लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, वो अन्याय का शिकार है। अपनी असमर्थता के बोध से उसका मन खींच और हीनता से भर गया है। वो अपने को पीड़ित और अभागा मानता है। वो एहसास से दबा हुआ अनुभव करता है। उसे ये डर भी घेरे रहता है कि न जाने कब टेनेंट उसे निकाल दे। वो असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है रेत के टीले पर वो बैठा है और टीला खिसक रहा है। वह हीनता, ग्लानि और आशंका में जीता है। उसका निजत्व चला गया, व्यक्तित्व टूट गया, साहस साथ छोड़ चुका है।
सबटनल होना उसकी समस्त चेतना पर छा गया है। वह अक्सर कहता पाया जाता है, अरे भैया अपना क्या है, अपन तो सबटनल है। यह सहमदा सा घर में घुसता है, सहमदा बाहर निकलता है। मोहल्ले में इस तरह चलता फिरता है जैसे कोई विदेशी घुसपैठिया है। टनन की बीवी उसे कभी दरवाजे पर खड़ी दिख जाती है तो वह मुंह फेर लेता है। सब टनन को टनन की बीवी को देखने का हक नहीं है, ऐसी उसकी मान्यता है। उसकी बीवी सुंदर होते हुए भी टनन की बीवी से अपने को हीन समझती है। उसके बच्चे डरे डरे से रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं। कुसूर चाहे टनन के बच्चों का हो, डांड और मार इसी के बच्चे खाते हैं। मैं देखता हूँ, सब टनन का पूरा परिवार दबी आवाज में बोलता है। पार्टीशन के उस तरफ से जो आवाज़ें आती हैं वे कानाफूसी जैसी होती हैं। पट्टियों में बनाए कामचलाऊ बाथरूम में सब टनन नहाता होता है, तभी उस तरफ से आवाज़ आती है, नल बंद करो। वह फौरन नल बंद करके साबुन लगाए बैठा रहता है। वो सब्जी वाले को पुकारता है तो बड़े धीमे सहमते स्वर में, जैसे क्षमा याचना कर रहा हो, तेज और खुली आवाज़ में। किसी को पुकारने का उसे साहस नहीं है। कभी भिखारी को आटा देना है तो इस तरह जैसे खुद भीख ले रहा हो। टेनन मेरा सहगर्मी है, मैं अक्सर उसके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही सब टेनन खड़ा हो जाता है और कहता है, पाठक जी घर पर ही है। वो इसे अपनी ड्यूटी समझ बैठता बैठा है कि टेनन के दोस्तों को उसकी उपस्थिति के बारे में बताए, या शायद वो अपनी सुरक्षा के लिए मुझे खुश रखना चाहता है। कभी कभी उसका मन सिर उठाता है, वो मानवोचित आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता है, पर जो ही उसे ख्याल आता है कि वो सब टेनन है, वो दब जाता है। उसकी और मेरे दोस्त की बैठक के बीच लकड़ी का पार्टीशन है। हम इस तरह बैठते हैं तो वो उस तरह कम से कम हलचल करता है, वो बात बहुत धीमे करता है। एक दिन उसे पता नहीं था कि हम लोग उधर बैठे हैं। वो भन्ना उठा। वो किसी से बोला, हमने तो साहब से साफ कह दिया कि नौकरी करते हैं तो अपने को बेचा नहीं, ये रखा है इस्तीफा। यही मेरा दोस्त जोर से खांसा। सब टनन एकदम बुझ गया, लाचार सुर में बोला, पर भैया नौकरी आखिर नौकरी ही है, दबकर निभाना पड़ता है। हम लोगों ने एक दिन हड़ताल टिकी थी, मैं और मेरा दोस्त हड़ताल में शामिल थे। सब टनन जानता था कि हड़ताल फेल होगी, वो काम पर चला गया। शाम को लौटा तो अपराधी की तरह धीरे से साइकिल रख कर बैठ गया। इधर से मेरे दोस्त ने कहा, यार हड़ताल फेल कैसे न हो जब अपने बीच में ऐसे गद्दार है। उसने सुना, वो उस दिन से और ज़्यादा हीन बन गया। महीने भर बाद फिर हड़ताल हुई। सप्टन ने इस बार मन को बहुत पक्का बना लिया था। वो बता देना चाहता था कि वो कायर नहीं है, संघर्ष कर सकता है, खतरा उठा सकता है। उसने तय किया कि काम पर नहीं जाएगा, पर हम दोनों ने ये तय किया कि हम हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। हम दोनों काम पर जाने को निकले तो देखा कि सप्टन बड़ी शान से बैठा है। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर बेफिक्री और गर्व देखे। चलते चलते मेरे मित्र ने कहा, कुछ पिद्दी समझते हैं कि वही क्रांति कर लेंगे। उसने सुना और ढीला हो गया। हम दफ्तर पहुँचे तो देखा पीछे पीछे वो भी चला आ रहा है।